आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस परिवार के देशभर से एकत्रित हुए इस महाधिवेशन में जाबाज कांग्रेस सिपाही, कांग्रेस कार्यकर्ता साथियों, ये कांग्रेस का महाधिवेशन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए लेकिन पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने वाला है। आज राहुल गांधी जी ने संक्षिप्त में अपनी बात रखी और कल विस्तार से पूरी पार्टी के लिए एक रोड मैप को तैयार करने जा रहे हैं। एक ऐसे अवसर पर हम लोग आज यहां पर एकत्रित हुए हैं जब अनेक चुनौतियों का सामना हमारी पार्टी को करना पड़ रहा है। एक गौरवशाली इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है साथियों। आजादी के बाद पहली बार 1996, 1998, 1999 में कांग्रेस 3 बार सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी और लगातार 2 बार कांग्रेस की यूपीए की सरकार बनी। मैं इस मौके पर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी के नेतृत्व को, जिन्होंने हम लोगों को 2 बार सत्ता में आने का मौका दिया है। एक बहुत मजबूत कांग्रेस पार्टी हम लोगों को मिली है साथियों। मैं देश भर से आए कांग्रेस के नौजवान और अनुभवी नेताओं को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को जो कांग्रेस मिली है, एक मजबूत और सक्षम कांग्रेस मिली है। आज जिम्मेदारी न सिर्फ राहुल गांधी जी की है लेकिन हमारी और आपकी भी है कि आने वाली पीढ़ी को हम इससे भी मजबूत कांग्रेस छोड़कर जाएं। आज देश भर में एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया गया है जो इससे पहले हमने देखी नहीं। गैर कांग्रेसी सरकार पहले भी बनती थी लेकिन जो टकराव की स्थिति, जो नफरत की राजनीति, जो भेदभाव की राजनीति, जो आक्रमण की राजनीति इस बार अपनाई गई है, उसका जवाब देने के लिए हम लोगों को प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा दिखाना पड़ेगा। जितना टकराव वो करेंगे उतनी विनम्रता से हम लोगों को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जाना पड़ेगा। और साथियों, मुझे गर्व है इस बात का कि कुछ समय पहले जब भाजपा के साथी सोचा करते थे कि पूरे भारतवर्ष का वोट हमारी जेब में है, हम लोगों ने साबित किया है कि बूथ में, गांव में, वार्ड में, ढाणियों में, शहरों में, कस्बों में, अलग अलग राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी ये बीड़ा उठा ले कि हमें नौजवान, किसान, गरीब और मजदूर की आवाज उठानी है, तो हम लोग भाजपा को हरा चुके हैं और फिर हरा सकते हैं। इस बात की शुरुआत छोटे बड़े चुनाव में हुई है लेकिन 4 साल के बाद ये सरकार बेनकाब हुई है। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाले लोगों को इस देश की जनता पराजित करने जा रही है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलख जगानी पड़ेगी। आज हम लोगों का दायित्व है कि एक साथ खड़े होकर राहुल जी का समर्थन करें, जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तमाम दबाव के बाद, डराने की कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी जी ने दिखाया है कि हम चुनौती दे सकते हैं, विनम्रता से आपका विरोध कर सकते हैं और चुनावों में आपको हरा सकते हैं। आज इसी पर ही पार्टी को, तमाम कांग्रेसजनों को आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, हर वर्ग, हर जाति और समुदाय के लोग इस पार्टी में हैं। एक बहुत महान विरासत हमारे साथ है, इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है लेकिन भविष्य को सफल बनाने के लिए समय कम है। इस महाधिवेशन से वो संदेश और संकेत लेकर हम लोग जाएं। राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है उसे कामयाबी में तब्दील करने के लिए हमको और आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। और ये खून पसीना बहाने के लिए अगर हमारा नेतृत्व तैयार है, हम लोग तैयार हैं, तो आप लोगों को भी तैयार होना पड़ेगा। और शांति से धीरे बैठे बैठे बदलाव नहीं आने वाला। राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जोरदार तालियां बजाकर बता दीजिए, इस स्टेडियम से बाहर तक आवाज जानी चाहिए।
एक नई राजनीति का आगाज हो रहा है साथियों। सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो एक नीति राहुल गांधी जी ने बनाई है, और कांग्रेस के त्याग तपस्या बलिदान को जो लोग चुनौती देते हैं वो कान खोलकर सुन लें कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अभी सिर्फ उपचुनाव जीते हैं और बहुत जल्द हम लोग उपचुनाव जीतने वाले हैं और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी पूरे देश में और 2019 में यहां कांग्रेस की सरकार देश में बनाने वाले हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हम लोगों ने यहां अडॉप्ट किया है उसके समर्थन में आज मैं बोल रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता, हमारा नौजवान, हमारे भाई और बहन इस अधिवेशन से एक संकल्प लेकर जाए कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन कांग्रेस की रीति नीति को बनाए रखेंगे, टकराव की रणनीति का जवाब देंगे और बूथ से लेकर जिले के मुख्यालय तक हम लोग भाजपा को पराजित कर दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा झंडा हर जगह फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।